वही राजधानी देहरादून में बच्चों को लाने ले जाने वाले बस और ऑटो चालक अपने बस ऑटो में ओवरलोड कर बच्चों को ले जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने का अंदेशा बन जाता है। अब परिवहन विभाग ऐसे ऑटो चालक और बस चालकों पर शिकंजा कस रहा है। आज परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी ओर से 2 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि स्कूल बस और ऑटो के खिलाफ है, जिसमें हम सभी के पेपर की जांच करेंगे और उसके साथ ही उनके मानक भी चेक करेंगे, और जो चालक ओवरलोड बच्चों को बिठाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों पे बच्चों को ढोना मोटर व्हीकल के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, एक ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसमें गाड़ी हम लोग सीज भी करते हैं, चालान भी करते हैं। अब तो प्राइवेट वाहनों से, प्राइवेट वाहन का कमर्शियल प्रयोग की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वाहन का कमर्शियल प्रयोग तो वो गलत है। अपनी कोई प्राइवेट अपनी कार बाइक में जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल के रूप में प्रयोग करना प्राइवेट वाहन का अलाउड नहीं है। इसमें चालान होता है, गाड़ी सीज भी होती है। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ी को जो सही ढंग से बने हुए गाड़ियाँ हैं, जैसे स्कूल वैन हैं, स्कूल के बसेस हैं, इसमें ही भेजें। जो प्राइवेट गाड़ी है जिसका कमर्शियल प्रयोग हो रहा है, उसमें गाड़ी बच्चों को न भेजें और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें।